हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आज ना मैं आप लोगों के साथ ये सॉफ्ट वेडिंग लुक शेयर करने वाली हूँ, प्लस ये मुझे हल्दी मेकअप लुक जैसा भी वाइब आ रहा है इसको लगाने के बाद। वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स मेकअप को लेकर क्लियर हो जाने वाले हैं, क्योंकि मैं ना एक एक स्टेप इसमें कवर करने वाली हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ हम इस मेकअप लुक को करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आगे की डिटेल्स मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। पहला रूल होता है हमारा स्किन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फेस वॉश मैंने ऑलरेडी कर रखा था, अब मुझे लगाना है फेस पर मॉइस्चराइजर। तो देखो दो ऑप्शन है, एक है बायोडर्मा का, अगर आप बहुत सेंसिटिव स्किन के हो तो बायोडर्मा पे जाना, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप बायोटिक का ही मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। मैं आपको दोनों के ही लिंक दे दूंगी। मेरी स्किन ना विंटर्स में जाके थोड़ी सेंसिटिव और ड्राई दोनों टाइप की हो जाती है, अगर कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं सूट करता है तो आंख बंद करके आप ये बायोडर्मा का ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा रेंज ज्यादा है, बट ट्रस्ट मी, इसको लगाने के बाद आप किसी और मॉइस्चराइजर की तरफ जाना पसंद ही नहीं करोगे, इसका रिजल्ट्स इतने ज़्यादा ऑसम है। तो पहले मैं अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लूँगी, हाइड्रेट कर लूँगी, क्योंकि मेकअप शेकअप बाद की बात है, पहले अपनी स्किन को हेल्दी रखना भी हमें ज़रूरी होता है। रूल हमेशा याद रखना, जितना अच्छा आपका स्किन केयर होगा उतना ही अच्छा आपका मेकअप लुक उठ कर आएगा। मेरी स्किन अब अच्छे से तैयार हो गई है, उसके बाद मैं आई लुक से स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले स्विस ब्यूटी का मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंसीलर है, जो आपको फुल कवरेज दे देता है, और इसका जो शेड है मेरा 02 शेड, और मैं ये तो बहुत सारी वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। एंड हाँ, एक चीज बताना भूल गया, अमेज़न पर ना ब्यूटी सेल लाइव हो जाएगी 24th, यानी कि आज से ही लाइव हो जाएगी। ये साल की बिगेस्ट ब्यूटी सेल है, इसमें ना आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, अप टू 60% तक के डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं, और 50% तक के आपको जो लग्जरी हाई एंड ब्रांड्स है ना उस पर भी आपको ऑफ मिलेगा। तो मैं क्या करूंगी, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको टैग कर दूंगी, मतलब कमेंट में, पिन कमेंट में लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकआउट कर लेना। अब मैंने यहाँ पर आईज कंसीलर लगा के ब्लेंड कर लिया है, उसके बाद एक लूज पाउडर लेंगे, मैंने यहाँ पर इनसाइड का लूज बनाना पाउडर लिया है और उसे सेट कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले आंखों पर हमने कंसीलर लगाया आईलेट पर, और उसके बाद उसे सेट कर लिया। अब यहाँ पर लैक्मे का ये कलरफुल सा पैलेट था, मैंने सोचा यार आज इससे स्टार्ट करते हैं आई लुक, क्योंकि इसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। बाकी इसके अंदर शेड्स बहुत प्यारे प्यारे हैं, आप पिगमेंटेशन देख सकते हो, मैं आपको 2-3 के शेड्स दिखा भी रही हूँ। आई लुक स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया है ये स्किनी ब्राउन कलर, और इसको मैं अपने आउटर वी पर ब्लेंड करूंगी, और देखो ऐसे राउंड राउंड घुमाना है बैक एंड फोर्थ मोशन में, कुछ इस तरह से। बहुत पहले जो डार्क शेड होगा थोड़ा बाहर की साइड लाएंगे, उसको घुमाते घुमाते हल्का हल्का सा लाइटली ब्लेंड करते हुए अंदर की ओर लाएंगे, लाइट से डार्क की तरफ बढ़ेंगे। पहले मैंने लाइट ब्राउन लिया, फिर हल्का सा पिंक शेड लेके मैंने सेम उसी के ऊपर अप्लाई कर लिया। अब ये गोल्डन शिमर शेड्स हैं इसके अंदर मेटालिक वाले, तो मैंने एक शेड वो ले लिया, और इनर कॉर्नर होता है ना अपनी आंखों के, हम वहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे ताकि वो अच्छे से ना लास्ट में पॉपअप होकर नजर आए। उसके बाद ये कलर एसेंस की लूज शिमर है, ग्लिटर तो नहीं है, बहुत ही फाइन ग्लिटर है, मतलब ग्लिटर नहीं है, शिमर है, ये बहुत सुंदर लगती है। तो एक ब्रश पर मैंने इसको ले लिया है, ब्रश को हल्का सा ना मैंने सेटिंग स्प्रे से गीला भी कर लिया था। अब मैं वहीं पर इसको लगाऊंगी जहाँ मैंने वो मेटालिक शेड लगाया था। ओ माय गॉड, ये पता नहीं ये कैमरा में इतना अच्छा दिख नहीं पा रहा, बट ये सामने से ऐसी आँखें मेरी चमक रही थी ना। अच्छा, उसके बाद मैंने ये शुगर का आई लाइनर लगाया, ये स्केच लाइनर है, इससे आप जितना मर्जी चाहे प्रिसाइज विंग लगा सकते हो, मोटा पतला जैसा भी आपको आई लाइनर पसंद है। उसके बाद मैंने आई मैजिक की लैशेज ली, और आई मैजिक की ही ग्लू, नहीं ग्लू तो सेलेसिस की है। मैं आपको प्रोडक्ट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन प्रोडक्ट्स पे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, सारे प्रोडक्ट्स मैं टैग कर दूंगी, आप देख लेना कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया ब्यूटी सेल लाइव है, तो आपको इन प्रोडक्ट्स पर बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है, इसलिए मैंने सोचा खाली हॉल ना बना के ना आप लोगों को डेमो भी दिखा दूँ कि हर प्रोडक्ट कितना अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल है, कमाल आईब्रो पेंसिल है यार, मतलब कितने, शायद 100-120 रुपए की, और आप डिफरेंस देख सकते हो मेरी आईब्रोज में। उसके बाद एक क्वेरी होती है ना कि हमारा मेकअप काला क्यों पड़ता है, कई बार क्या होता है हमारी आंखों के नीचे काले घेरे यानी कि डार्क सर्कल होते हैं जिसको हम ध्यान ही नहीं देते हैं, तो हम डायरेक्ट फाउंडेशन लगाते हैं जिससे वो ग्रे हो जाता है। तो पहले ना मैंने इसको लगा लिया है, आप देख सकते हो, और फिंगर से इसे हल्का हल्का ब्लेंड कर लिया, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे। उसके बाद मुझे लगाना था प्राइमर, तो मैंने यहाँ पर ये स्विस ब्यूटी का जो रियल मेकअप बेस है इसमें मेरा शेड नेचुरल है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट आप यूज़ करो ना, पहले उस बॉटल को हमेशा शेक कर लिया करो ताकि उसके सारे जो भी गुडनेस है ना उसके अंदर मिक्स हो जाए। एंड फेस देख लो कितना ज़्यादा शाइनी शाइनी सा लग रहा है। ऑरेंज करेक्टर के ऊपर मत लगाना, सिर्फ हम इसे अपने चीक्स पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, चिन पे यहाँ लगाऊंगी। देखो कितना अच्छा सा शाइन मार रहा है फेस। अब यहाँ पर ये फिटमी का 128 वॉर्म न्यूड मेरा शेड रहता है हमेशा,
मैं वही लगाती हूँ। और इसको भी मैं पहले शेक कर लूँगी। शेक करने का रीज़न एक ये भी होता है, सर्दियों में ना प्रोडक्ट्स जम जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो लिक्विड सा अलग हो जाता है, गाढ़ापन अलग हो जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं डॉट डॉट करके लगाऊंगी। एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया है वहाँ मैं अभी फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी अगर मैंने उसके ऊपर लगाया तो मेरा फेस पूरा ऑरेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा फेस काफ़ी डल लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती है ना बड़ी टेक्निक वाली होती हैं, तो आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रख के अपना मेकअप लुक करोगे तो डेफिनेटली बहुत ही फ्लॉलेस बेस आप अचीव कर सकते हो। जब मेरे पूरे फेस पे फाउंडेशन लग गया, उसके बाद मैंने हल्का सा फाउंडेशन लेके उस ऑरेंज करेक्टर पे मतलब लास्ट में लगाया, स्टार्टिंग में मैंने नहीं लगाया। मेरा बेस मेकअप देखो, मतलब कितना ज़्यादा एकदम ग्लॉसी, एकदम डूई बेस मुझे मिला है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही। देख सकते हो आप कितना सही लग रहा है ना। उसके बाद ये जस्ट हब का टेंट है, ये बहुत अमेजिंग है। अगर आपको कोई अच्छा टेंट चाहिए तो मैं रेकमेंड आपको यही करूँगी। मैं सुबह क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, स्मूदली ब्लेंड हो जाता है। नो मेकअप मेकअप लुक में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो देखो कितना आराम से ब्लेंड हो गया, बिल्कुल पैचेस नहीं आते। थोड़ा मैंने इसको डार्क कर लिया था क्योंकि वीडियो में ना नज़र ही नहीं आ रहा था हल्का सा लगाने पर। और इसमें आपको बहुत सारे शेड्स भी मिल जाते हैं, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया लगा के। अब आप देख सकते हो मेरा बेस मेकअप कितना प्यारा लग रहा है, जबकि अभी मैंने कंसीलर से हाइलाइटिंग भी नहीं किया, अभी वो भी करना बाकी है। जो शेड नंबर 2 जो हमने आई लिड पे लगाया था ना, जिससे हमने आई मेकअप स्टार्ट किया था, तो सेम कंसीलर लूंगी, स्विस ब्यूटी का 02 शेड नंबर है, उससे मैं अपने अंडर आई एरिया पे लगाऊंगी। अभी आप देख सकते हो जो हमारे यूजुअल एरियाज होते हैं ना, जो फेस के हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, जो हाईलाइट करने वाले होते हैं, नोज, ब्रिज ऑफ द नोज हो गया, चिन हो गया और हमारी जॉ लाइन हो गई, वहाँ पर मैं 02 शेड लगाऊंगी। कंसीलर का जो शेड होता है हमारी स्किन टोन से हमेशा एक या दो टोन लाइटर होता है, तो ये शेड मेरे स्किन टोन से एक दो टोन लाइटर है। शेड नंबर 2 मीडियम या फिर सैंड सेबल कुछ करके इसका नाम है, मतलब 02 है इतना मुझे कन्फर्म है। जहाँ मैंने लगाया सिर्फ वहीं मैं उसे ब्लेंड करूँगी, ब्लश के ऊपर नहीं लेकर आऊँगी। अब क्या होगा, इससे एक मेरे फेस को ना एक 3D वाला लुक मिल जाएगा, जो एरिया ब्राइट करना चाहिए सिर्फ वही करेगा। रिजल्ट देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है और एक एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर किया, कितना प्यारा बेस निकल कर आया है। पता नहीं क्यों आज कैमरा में ऐसा क्यों हो रहा था कि मैं पास आ रही थी तो सही, थोड़ा सा पीछे जा रही थी तो पता नहीं क्यों इतना लाइटिंग का कुछ इश्यू हो रहा था, बट मैं अपनी तरफ से फिर भी आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगेन ये इनसाइड का लूज बनाना पाउडर बहुत अच्छा है। मैं ना कॉम्पैक्ट कम यूज़ करती हूँ, आप लोग देखते हो मैं लूज पाउडर यूज़ करती हूँ। मैंने ये ट्रायंगुलर पफ लिया है, ये भी बड़े काम की चीज़ है। हल्का सा लूँगी, डायरेक्ट लगाती तो एकदम पैचेस आ जाते। हल्का सा लेके जहाँ जहाँ मुझे लगता है, जैसे स्माइल लाइन्स हो गई या फिर हमारी क्रीज एरिया हो गया, आइज़ के नीचे क्रीज कर जाता है ना बहुत ज़्यादा, वो सब वहाँ पे मैं लूज़ बनाना पाउडर से सेट कर लूँगी। उसके बाद मेरा ब्रश, जो ब्लश था, ब्रश बोल रही हूँ, ये सब करने के बाद ना ब्लश बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था, तो उसको थोड़ा सा दोबारा से डार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ पर रेवोल्यूशन का लिया है, मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वाला ब्लश, तो इसे मैं ब्लश को थोड़ा सा डार्क कर लूँगी क्योंकि वो बहुत ही लाइट हो गया था। उसके बाद लोअर लैश लाइन पे मैंने पिंक कलर का एक शिमर आई शेडो लेकर और अप्लाई कर दिया है, क्योंकि लोअर लैश लाइन पे कुछ ना लगाओ ना तो अजीब सा लगता है। देन मैंने वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है, और ये मैं सबसे ज़्यादा यही हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। कहाँ कहाँ लगाएंगे, अपने चीक बोन्स पर लगाऊँगी और ब्रिज ऑफ द नोज़ पर भी लगाऊंगी। जो जो एरिया हमारा यानी कि लाइट के आगे बिल्कुल शाइन करता है ना, ये वही एरियाज़ पे हम हाइलाइटर लगाते हैं। सॉरी फॉर माय वॉइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो शायद आपको आवाज़ थोड़ी चेंज लग सकती है। खैर कोई बात नहीं, एक पीछे इकरा भी जा रही थी। मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगाने वाली हूँ रेनी की। ये कौन सा शेड है, आई थिंक सिट्रस करके कुछ शेड है। मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स जो है ना मतलब लिंक कर दूंगी, आप देख लेना। लिपस्टिक का शेड बिल्कुल मेरे दुपट्टे के साथ मैच हो रहा है, जो सूट का दुपट्टा। अच्छा, इसके साथ मैंने गेट रेडी विद मी भी किया था। चलो फाइनल लुक आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत सॉफ्ट सा है। किसी के हल्दी में भी आप जा रहे हो या खुद की अगर आपकी हल्दी है तो आप हल्दी फंक्शन में ये लुक डेफिनेटली कैरी कर सकते हो, क्योंकि ये हुआ ही बिल्कुल ऐसा था ना, येलो पिंक वाला, बहुत सुंदर लगा मुझे। एंड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए या अभी भी कुछ डाउट्स हैं मुझे ज़रूर बताना। और अगर कोई प्रोडक्ट रह गया हो तो मुझे आप डायरेक्टली लिंक मांग सकते हो, क्योंकि शॉर्ट्स पर तो लिंक नहीं जाते हैं बट बड़ी लॉन्ग फॉर्मेट वाली वीडियोस पर लिंक चले जाते हैं। आपको इस तरीके की लॉन्ग वीडियोस देखनी है मेकअप की, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँ, क्योंकि शॉर्ट्स पर जाती नहीं, तो मुझे ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।